सो नेक्स्ट वी हैव छह नंबर पे, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। ये लिखाया था मैंने, इज इट कंप्लीटेड? बायोकेमिस्ट्री नहीं, लिखिए नेक्स्ट, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, मतलब इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट एवर द केमिस्ट्री और व्हाट एवर द केमिकल्स इन्वॉल्व, दैट वी कॉल फ्रॉम दोस काइंड ऑफ एविडेंसेस, जो वहां से हमें प्रूफ मिले हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, एज वी नो इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव जीन्स, दे आर परफॉर्मिंग अ given set of functions in different organism, which gives clues that ke sam kahin na kahin uska common ancestry tha, means that ke agar gene ka kaam hota hai koi character ko express karwana, unke paas kuch message hote hai, information hoti hai, aur wo ek generation se next generation mein transfer karta hai, ye sare organism yahi kaam to karta hai genes ka, ya aisa to nahi hai ki hamare mein genes ka kaam hota hai character ko express karna और किसी में होता है डाइजेशन करवाना है, कुछ और करवाना, यस और नो? जो किसी एक ऑर्गेनिज्म में है वो और भी ऑर्गेनिज्म में है कि नहीं है? द जीन्स का काम क्या है, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक, आगे ना, और वहां पर जाकर के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना, यस और नो? यस सर। सब बच्चों को समझ में आ रही है क्या? awesome. सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन and genes performing a given set of function. Are all students agree with this point? क्या सारे बच्चे इस पॉइंट से एग्री हैं? हाँ सर, तुमको अभी सुनाई पड़ा? नहीं सर, आपने लिख के कंप्लीट नहीं किया है। अगर हम लोग नेक्स्ट इसमें देखें कि अगर हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो पता है हमें क्या मिलेगा? अच्छा, एक हम लोगों ने बायोमोलिकल्स में एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, फिर उसको किसी लिविंग पार्ट को क्रश करके उसके अंदर कंपोजिशन निकाला था, बिल्कुल वो एज इट इज अर्थ कंपोजिशन के बराबर निकला, मतलब कुछ वहां पर भी एसिड निकला था, कुछ माइक्रो मोलिक्यूल था, कुछ मैक्रो मोलिक्यूल था, तो कुछ यहाँ पर भी वैसे ही तो है, जैसे एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, डीएनए होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, एंजाइम्स है, ब्लड्स है, इनकॉर्डेट्स में, सबके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट सेम ही तो है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म समवट शेयर्ड एंसेस्टर्स इन रिसेंट और डिस्टेंस प्रीवियस, और वी कैन से एंसेस्ट्रल जनरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस, दे हैव कॉमन, एक मिनट, कंपोजिशन, जो उनके कंपोजिशन था और जो स्ट्रक्चर था
their composition and structure of protoplasm. Enzymes हो गया, hormones हो गया, क्या हो गया, hormone हो गया, DNA हो गया और blood in cortex. सबके पास सेमी तो होती है क्या? It also almost same. It means that in past times they have shared some kind of common ancestry. Yes or no? Yes, sir. Next लिखे evidences from embryology. और इसके बारे में नीट में सवाल पूछा गया है यहाँ से. लिखा क्या? लिखा कि नहीं? हाँ सर. यस सर. नेक्स्ट लिखिए 7 नंबर. एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी. एम्ब्रायो लोजी. मेरी बात समझ में आ रही क्या? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछी जाती. एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है बेयर्स लो. उसका नाम है क्या? बेयर्स. और क्या बोलते हैं उसके? एक ने लो दिया, उसका बोलते हैं बेयर्स लो. बोलते हैं कौन सा लो? बेयर्स लो. इज इट क्लियर? उसने क्या कहा? अब उसको हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? He is also known as father of embryology. He says that and stated that in embryonic stage general characters appears firstly. मतलब ये हुआ कि जो सारे के सारे organism में पाए जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? General characters. आगे ना? That appear firstly and then specialized characters appears later. जो सिर्फ उसी organism में पाया जाएगा, उसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, तो जो वो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर बाद में आएगी, जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो पहले आएंगी. ये किसने कहा? बेयर्स लो ने कहा. बेयर्स ने ये बेयर ने ये अपने को बताया और ये कहने की कोशिश किया कि इस तरीके से होता है. क्या बोला मैंने? वंस अगेन, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज द जनरल कैरेक्टर्स अपीयर्स फर्स्टली. पहले वो आएंगे, पहले वो बनेंगे, देन फिर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स. जैसे मैं बोला 4-chambered हार्ट है, नर्वस सिस्टम इतना एडवांस है, ये सब चीज बाद में आई. क्लियर है क्या? लास्ट में उसके बाद एक और साइंटिस्ट, उसको बोलते हैं म्यूलर. क्या बोलते हैं? म्यूलर. म्यूलर ने जो थ्योरी दिया उसको बोलते हैं रीकैपिटुलेशन थ्योरी. क्या बोलते हैं उसको? रीकैपिटुलेशन थ्योरी. उसने क्या कहा? ऑन्टोजेनी रीकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी. क्या मतलब हुआ? Ontogeny recapitulates phylogeny. It means that the ontogeny kya hoti hai? Study of embryological development of an organism. Isko bolte hain ontogeny bolte hain. Aur phylogeny kya hota hai? Evolutionary history or evolutionary relationship of the organism. Matlab ki jo aapke paas embryological development hai, ये क्या रिकैपेट करता है? ये क्या बताता है कि ये अपने प्रीवियस जनरेशन से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से लिंक करता है.
बात समझ में आ रही क्या? सो ऑन्टोजनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब ये इसको रिपीट करता रहता है, ये एंसेस्टर में जो हुआ कुछ उसी तरीके से ये भी करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आता है, उसका बोलते हैं अर्नेस्ट हेकल, बहुत फेमस नाम है ये, आपने कई बार सुना होगा, आपको इकोलॉजी में भी नाम मिलेगा इसका, अर्नेस्ट हेकल। इसने जो लॉ दिया उसको बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ। क्या लॉ दिया? बायोजेनेटिक लॉ। इसके मतलब क्या है कि इट मींस दैट एन ऑर्गेनिज्म शोज एन एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। क्या कहा उसने? इट शोज दैट its ancestral adult stages during its embryonic development। वो ये कहना चाहता है कि जो हम एडल्ट में जैसे हम बिहेव करते हैं, जो हमारे पास चीज होती है वो embryonic स्टेज में भी होती है। इन अदर वर्ड वी कैन से द embryos ऑफ एडवांस स्पेसिस passes through stages represented by adult organism of more primitive species। इस बात से वो ये कहना चाहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन एंसेस्ट्री। उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जो इसे गलत प्रूफ करना था, एक आता है वॉन बेयर। कौन आता है? वॉन बेयर। ठीक है, इसने इस बायोजेनेटिक लॉ को डिसप्रूफ करता है। क्या करता है? डिसप्रूफ करता है। Then he observed that embryo never pass through the adult stage of other animals। किसी दूसरे animals के stage की तरह ये नहीं match करता, इससे कभी pass होता ही नहीं। जैसे मैं example दूँ आपको, इसके examples में अगर embryology के बारे में बात करें, जैसे आपने अगर किसी ने में आप में से किसी ने अगर देखा होगा frog के tadpoles वगैरह, frog के larva वगैरह देखा है किसी ने? इसका एक कभी इनिशियली एक ऐसा स्टेज आता है जब वो मछली की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? मछली की तरह। आप लोगों ने कभी देखा है क्या? तो बचपन में हम लोग छोटे थे, हम लोग खेला करते थे, कभी मछली समझ के पकड़ लिया करते, तो बाद में तो मछली नहीं है, वो क्या है? फ्रॉग है। ठीक है ना, तो इससे वो कहना चाहता है कि दिस इंडिकेट्स ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज। Obviously, पहले फिश था, देन फिर क्या हुआ उससे वो करके, कि फिश तो पानी वाले होते हैं और एम्फीबियंस दोनों जगह वाले होते हैं, सो एम्फीबियंस डेवलप फ्रॉम फिशेस। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ क्या होती है, हर्ट होती है इन वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। इनिशियली एग्जिबिटिंग जो कुछ लोअर ऑर्गन्स उनके पास क्या था, टू चैम्बर्ड हर्ट था, जो कि फिश में भी होती है कि ना। बाद में ये डिवेलप होकर क्या बना, तीन चैम्बर्ड हर्ट बना, जो कि एम्फीबियंस है और रेप्टाइल्स में। Finally, in embryonic stage, it becomes four-chambered, such in the adults. This proves that all vertebrates have evolved from common ancestor, fish-like ancestor, and also that birds and mammals are evolved from the reptiles. क्योंकि वो तीन chambered वाले थे और humans जो vertebrates हैं वो कितने chambered वाले हैं? कितने चैम्बर वाले हैं? चार चैम्बर होंगे। हाँ कि ना, जैसे आप लोगों का अलग अलग चैम्बर बना हुआ होता ना घर में, ये होती। ठीक है, तो उसका हम लोग पॉइंट लिखे क्या? अरे पॉइंट लिखे क्या? तो ये सवाल पूछा गया था कि बेयर्स बायोजेनेटिक लॉ को किसने डिसप्रूव किया, बायोजेनेटिक लॉ को किसने डिसप्रूव किया? अभी मैंने नाम लिया था, बताइए कौन था वो? अर्नेस्ट हेकल। आंटी जी वो नहीं है, वॉन बेयर। कौन है? वॉन बेयर, जिसने बेयर्स को बनाया था। अरे इसको फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं मैडम जी, समझे क्या? हाँ सर। तो बेयर्स लॉ में लिखिए, ऑब्वियसली बेयर्स लॉ है, तो ऑब्वियसली इट वॉज प्रपोज बाई बेयर, हाँ कि ना, वॉन बेयर। मैं इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। याद रहेगा, एंड स्टेटेड दैट
or you can say states that in embryonic stage, in embryonic stage, general characters appear firstly. And specialized character forms later. Are yes or no? Specialized characters forms later. Or we can say appear later. Is it clear to all of you? Hello? और ये ऑन्टोजेनी रिकैपिलेट्स फाइलोजेनी, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था ना. क्या बोला सर आपने? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑन्टोजेनी रिकैपिलेट्स फाइलोजेनी. आवाज कट रहा है. हैं? आवाज कट गया आपका. मेरी आवाज तो ठीक आ रही है. पहले कट गया था. सर वो टी के जगह एल डाल दो. टी के जगह एल डाल दो मतलब? जनरल वो जनरेट जन वो. अच्छा उधर को है क्या? तो ये वाला आपको ऑन्टोजेनिक रिकैपिलेट समझ में आया क्या? उसमें मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग बायोजेनेटिक भी लो भी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल पैरेललिज्म बोलते हैं. और ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था. और उसने क्या कहा था कि जो उनका डिवेलपमेंट है एम्ब्रायो का किसी भी एनिमल में, और ये किससे बनेगा? फर्टिलाइज्ड एग से बनेगा. एंड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू जेस्टेशन, मतलब पूरा का पूरा इंटायर पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक, क्या बोलते हैं पार्टुरेशन तक, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. ठीक है ना? और उसको रिलीज करने के क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी. इट गोज थ्रू अ स्टेजेस दैट रिजेंबलिंग और रिप्रेजेंटिंग द सक्सेसिव एडल्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, दैट वी कैन से कि दीज आर द शेयरिंग सम कॉमन कैरेक्टर्स. Means they belong, they are sharing some character of common ancestors. Yes or no? ये अलग अलग laws हैं. बस समझ में आ रही है क्या? So ontogeny recapitulates phylogeny. ये किसने दिया था? Ernst Haeckel ने दिया था. Clear है क्या? इसमें Muller भी, अलग अलग scientists मिलके दिया है कि Muller भी है. ठीक है ना? इसमें next point लिखिए Muller. इसने क्या प्रपोज किया? देखो कोई एक थ्योरी सिर्फ अकेले एक साइंटिस्ट का नहीं होता, ध्यान रहे आपका. ठीक है ना? Muller प्रपोज, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, हम उसका नाम लिखते हैं, बाद बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं. क्लियर है क्या? तो इसने क्या प्रपोज किया? आप लोगों वाला प्रपोजल नहीं, ये क्या किया? रिकैपिटुलेशन थ्योरी दिया. उसमें इसने क्या कहा? रिकैपिटुलेशन थ्योरी. According to this,
ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजी। बस समझ में आ रही है? आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू? यस सर। सर एक सेकेंड। समझ में आया तुम्हें? नजीब बोल। यस सर। आगे बढ़ूं क्या? इसमें इसी के अंदर लिखिए, उसी पॉइंट के अंदर ऑन्टोजेनी क्या होती है। स्टडी ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्लियर? स्टडी ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपके पास क्या है इसमें? फाइलोजेनी। और ये फाइलोजेनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग लिविंग वर्ल्ड में इसको ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई करते हैं वहां पर इसको यूज किया गया है। याद है कि आप लोगों को? याद है नेक्स्ट टेस्ट में जो आपका लिविंग वर्ल्ड आने वाला है और एनिमल किंगडम आने वाला है, ठीक है ना? फ्रॉम 11th पोर्शन। इसको अच्छे से कंप्लीट करो, रिवाइज करते रहो, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आएंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है क्या? पहला यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, वहां से एक दो पूछेंगे, देन फिर आएंगे हम लोग कहाँ पर? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन फिर आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, साथ ही साथ में थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी भी लेंगे। इसको कम टाइम में इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है? तो फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, मतलब रिलेशन ऑन द बेस्ड ऑफ इवोल्यूशन है। आगे ना? हाँ सर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में ये कैरेक्टर्स को कॉमनली शेयर करते हैं, ठीक है ना? तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या कहती है? ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब कि जो एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट है ये क्या रिपीट करता है? फाइलोजेनी को रिपीट करता है, मतलब क्या हुआ कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिपीट करता रहता है, मतलब कि इवोल्यूशन के बेस पे ये, मतलब कैसे कैसे वो पहले इनके डेवलप हुए हैं कुछ वैसे ही ये अपने अलग अलग एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जिस अलग अलग स्टेज से पास हुआ है तो अपने एंसेस्टर के तरह से ये कैरेक्टर्स को शेयर करता हुआ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ, अगला आप जो आपका साइंटिस्ट उसका नाम क्या है? 1866 एक साइंटिस्ट है, नाम क्या है? यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम जगह ई हैकल मिलेगा, या मैं एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूँ, दैट इज अर्नेस्ट हैकल या अंस्ट हैकल, ठीक है ना? अर्नेस्ट हैकल, उसने क्या कहा?
इस रिकैपिटुलेशन थ्योरी को डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया और क्या बोलते हैं इसको, बायो जेनेटिक लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो जेनेटिक लॉ बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इट मींस दैट कि एन ऑर्गेनिज्म शो इट्स एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज, जो उनके एंसेस्टर थे, जो उनके पूर्वज थे, जो उनका एडल्ट स्टेज था, वो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये शो करता है। बात समझ में आ रही क्या? जो उसके पूर्वज थे, जो उनके एंसेस्टर थे, उनके जो एडल्ट थे ना, क्योंकि उसी से तो इवोल्व होके ये हायर ऑर्गेनिज्म बने हैं, या ये फर्दर जो ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, इवोल्व होके ही तो बने अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, नॉट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या हुआ कि वो उनके एडल्ट स्टेज को अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये शो करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बायोजेनेटिक लो बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। इट मींस दैट एन ऑर्गेनिज्म shows its, आर्यन समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। एग्जाम में बोर्ड में लिख लोगे ना? हो जाएगा सर। मतलब हो जाएगा क्या मतलब? लिख लूंगा सर। मतलब आज समझ में आ रहा है, दिमाग में बात बैठ रही है ना आपको? एज इज लाइन छापना नहीं है, समझ लो, दिमाग में बैठाओ, फिर अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो। ऐसे में क्या रहेगा कि सबको एक ही काम करना पड़ेगा कि हमें पढ़ना है और समझना है, याद कुछ नहीं करना। अरे समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली अपने बना के लिख लो, अंग्रेजी तो आती है आप लोगों को, आगे ना। हाँ सर। अगर रटने में जाओगे तो पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और फिर याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ लोगे तो वही काफी है, और उसी को बना के आप लिख लोगे, ठीक है ना? और टीचर्स को बच्चे की लैंग्वेज ज्यादा पसंद होती है, ठीक है? मींस दैट एन ऑर्गेनिज्म शोज इज एंसेस्ट्रल। हाँ, गूगल का लैंग्वेज पसंद नहीं होता, खासतौर से मुझे गूगल का लैंग्वेज जरा से पसंद नहीं, मुझे पता चल जाता है कि बच्चा गूगल से लिखा है या कहाँ से लिखा है ना। मींस दैट एन ऑर्गेनिज्म शोज इट्स एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। क्या यह बात सबको हजम हो रही है? क्या मेरी बात यह वाली सबको हजम हो रही है? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है या स्ट्रॉन्ग है? कमजोर है। हाजमा खाया करो, हाजमोला खाया करो, ठीक है? इसी में अगला पॉइंट बना के लिखिए, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं क्या? इसमें नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, ये जो हम लोगों ने पिछला वाला पॉइंट लिखा, इसका मतलब इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि एम्ब्रियो ऑफ एडवांस स्पेसीज, एम्ब्रियो ऑफ advanced species pass through stages, वो ऐसे ऐसे स्टेज से पास होते हैं कि that stage represents by adult of adult organism of primitive, yes or no? Hello? Of more primitive species, मतलब previous वाले generation. Hello? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। कुछ समझ में आया क्या?
तो फाइनली एक पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, मीन्स दैट इट शोज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नॉट फ्रॉम ऑल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट शोज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्ट्री, हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री. इज इट क्लियर? यस सर. बात समझ में आई क्या? हाँ सर. अगला आप स्टार बनाएंगे पॉइंट, स्टार बनाएंगे पॉइंट लिखिए इसके बारे में. साइंटिस्ट का नाम क्या है? वॉन बेयर, जो पहले वाला था बेयर्स लो. ठीक है क्या? 1828. मतलब जब वो बायोजेनेटिक लो दिया था ना, उसका मतलब इन्वेंट करने से पहले ही उसको डिसप्रूव कर दिया था. ठीक है ना? Have disproved biogenetic law. और biogenetic law क्या होती है आपको मालूम चल गई क्या? हेलो, क्या होती है biogenetic law? सर की जो organisms रहते हैं उनका blood और proteins और factors जिस हिसाब से function करते हैं वो same रहते हैं. ये होता है biogenetic law. अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? अरे नहीं, वो एंसेस्टरल रिलेशनशिप वाला. तनुश्री क्या होती है बताइए, बायोजेनेटिक लॉ क्या क्या बताया मैंने? सर जो एडवांस स्पीशीज होते हैं तो उनका जो एम्ब्रियो होता है वो एंसेस्ट्रल स्टेजेस से जाते हैं. सो वो शो करते हैं कि उनमें मतलब कैरेक्टर. मैंने ये बताया कि जो एडवांस स्पेसिस होते हैं, जो उनका एम्ब्रियो जब डेवलप करेगा ना, तो उनके इस लो के हिसाब से क्या है कि वो अलग अलग स्टेज से जाएगा. क्लियर है क्या? वो जो स्टेज है ये बेसिकली वो ये बताएगा कि ये इसके जो प्रिमिटिव स्पेसिस थे, इसके जो प्रीवियस वाले ऑर्गेनिज्म थे, इनके जो एंसेस्टर वाले ऑर्गेनिज्म थे, ये वैसे ही मिलते जुलते हैं. समझे क्या? हाँ सर. ये मैंने बताया, ये नहीं कि जो आप लोग बोल रहे हो. सर मैंने यही बोला. आपने जो मैंने लिखा है आपने वो बोला. सब वैसे ही है, मीनिंग सिंपलर. हाँ, तो हम आपके दिल की मतलब नहीं जानते हैं ना, हमें तो समझ में आना चाहिए हम क्या आप क्या लिख रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो. आपके ये पॉइंट जो किताब में लिखा हो छोड़ो ना उसको, जो मैं लिखा हो छोड़ो उसको, इसका मतलब निचोड़ क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ. क्या आपको समझ में आया? भेजे में कौन सी बात गई ये मैं जानना चाहता हूँ. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो एडवांस स्पेसीज है अकॉर्डिंग टू दिस लो, कौन सा लो? बायोजेनेटिक लो. इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब क्या इसने क्या बताया, इसने क्या देखा, या जो इसको समझ में आया, जो इसने थ्योरी दिया कि जब एडवांस स्पेसीज के जो मतलब प्रिमिटिव के जो एडवांस वाले ऑर्गेनिज्म है उनके जो एम्ब्रियो डिवेलप करेगा, मतलब इन द जेस्टेशन पीरियड. कहाँ पर? जेस्टेशन पीरियड. हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ने वाले हैं इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. तो जेस्टेशन पीरियड में जो एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेज होंगे, तो वो अलग अलग स्टेज रिप्रेजेंट करेगा किसको? इनके प्रिमिटिव एंसेस्टर को, प्रिमिटिव स्पीशीज को, बिल्कुल उनके वैसे ही एडल्ट जैसे दिखेंगे. बात समझ में आ रही क्या? तो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एडवांस स्पीशीज विल रिसेम्बल विद द एडल्ट ऑफ प्रिमिटिव स्पीशीज. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, हेलो. हैव डिस्प्रूव द बायोजेनेटिक लॉ. और उसने क्या ऑब्जर्व किया, एंड किसने? वॉन बेयर ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट एम्ब्रियो नेवर पास. एम्ब्रायो तभी तो उसको नेग्लेक्ट करेगा, मतलब इग्नोर करेगा, गलत करेगा. नेवर पास, क्योंकि उसको सामने वाले को गलत प्रूफ करना था, कह दिया नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज
ऑफ अदर एनिमल्स, तो उसकी वाली बात गलत हो गई ना। हेलो सर, हाँ दिमाग में आ रहे हो सर, जब वो बात गलत हो गई हम याद करके क्या फायदा, नहीं याद रखना है, याद है रखना है, हाँ कि ना। Should I proceed? नहीं सर, रुको लिखना है, जल्दी लिख। तलवार की धार और लिखने की रफ्तार में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, समझे क्या? इनफैक्ट के तलवार की धार से भी ज्यादा आपके लिखने की रफ्तार होनी चाहिए, ठीक है? हाँ सर, अगर कुछ करना चाहते हो तो। इसका थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल बार एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अपने नाम सुना होगा टैडपोल, जहाँ पे क्या होती है ड्रास्टिक चेंज होती है, उस ड्रास्टिक चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, अरे क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक चेंज इन फ्रॉग ऑफ टैडपोल लार्वा क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। मेटामॉर्फोसिस। हाँ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। हाँ टैडपोल लार्वा किसका, ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो मेरे घर में रहते हैं क्या, ये जो मेरे साथ रहते हैं? क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबिया क्या है, क्लास है। एम्फीबिया क्या है, एक क्लास है। एज टैडपोल लार्वा रिजेंबल्स विथ फिशेस, ठीक है ना, जो अक्सर तो जो मतलब कि तालाब वगैरह में, गांव वगैरह में लोग होते हैं, वो ऐसे जैसे खेलते हैं, हाँ कि ना। वैसे बहुत टेस्टी होता है, आप टेस्ट कर सकते हो, टैडपोल के लार्वा बहुत टेस्टी होता है, कर मत लेना, मैं ऐसे करूँ। एम्फीबियंस और एम्फीबियंस रिजेंबल विथ फिशेस, इससे ये मालूम चलता है, इससे क्या मालूम चलता है, अरे कहाँ मालूम चलता है बोलो ना, इंडिकेट्स इनके एंसेस्टर्स है फिशेस, इंडिकेट्स ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस फ्रॉम स्पेशीज। टेस्ट की तैयारी चल रही है क्या आप लोगों को, बायोलॉजी का सिलेबस मिल गया होगा? हाँ सर मिल गया। हाँ अच्छा से रिवाइज करो, भूमिका तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, पुअरेस्ट है, पुअर नहीं पुअरेस्ट, ठीक है ना, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने माँ बाप को आप धोखा दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अगला एग्जांपल की बात करें हम लोग तो, हार्ट ऑफ हायर वर्टिब्रेट, हार्ट ऑफ द दिल है ना, दिल धड़कता है, धड़कने से याद आया धड़कन एक मूवी भी है, ठीक है ना, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स Like birds and mammals, like birds and mammals. So last slide में stages of के बात क्या था? Of other animals. हाँ सर। Birds and heart of vertebrate like birds and mammals. Initially क्या थे ये? इनिशियली दे हैव टू चैम्बर्ड, हाँ कि ना, अरे बोलो यार, जो कि किसमें होते हैं, फिश में भी होते हैं, इनिशियली क्या होते हैं, दो चैम्बर्ड होते हैं जो कि फिशेज में होता है, यस और नो? फिर इससे डिवेलप होकर के इट बिकम्स थ्री चैम्बर्ड, अरे कितना चैम्बर्ड बन गए, तीन चैम्बर्ड बन गए, हाँ कि ना, जो कि किसमें होता है, एम्फीबियंस और एम्फीबियंस और एंड रेप्टाइल्स, अरे बोल दे यार, आगे ना। फाइनली इन लास्ट मतलब ये पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले दो बना, फिर तीन बना, फिर चार बन रहा है, ठीक है, जो लास्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज था इट बिकम
फोर चैम्बर्ड, कितने चैम्बर बन गए, फोर चैम्बर्ड बन गए एज सच एज इन एडल्ट। इसके एडल्ट वाले किसके, बर्ड्स और मैमल्स के एडल्ट वाले में कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। सो वी कैन से दिस प्रूव्स दैट ऑल वर्टिब्रेट्स इवॉल्व फ्रॉम फिश लाइक एंसेस्टर एंड ऑल्सो दैट बर्ड्स एंड मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। यस और नो, बात समझ में आई क्या? इससे क्या मालूम चलती है, इन सब का, इन वर्टिब्रेट्स का एंसेस्टर कौन है, फिशेज है, हाँ कि ना? और बर्ड्स और मैमल से किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। हेलो हेलो, यस सर, तुम खाली यस सर कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का ना? पहले चार पहले चार चैम्बर हर्ट था या तीन चैम्बर हर्ट था पहले? हाँ अरे अच्छा, ये मतलब कि हम लोग ये यहाँ से हम लोग शुरू किए, यहाँ से लेकर ये क्या मतलब, कहा एक इमरा के अंदर की बात की है, इमरा से बाहर की बात की है? हेलो, इमरा के अंदर की बात सर। मतलब जब इमरा डेवलप करेगा तो पहले क्या बनेगा उनके पास, दो चैम्बर्ड हार्ट बनेगा। यस सर। फिर फर्दर डेवलप करके क्या बनेगा, तीन चैम्बर्ड हार्ट बनेगा। और ये तीन चैम्बर किसमें होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होते हैं, रेप्टाइल्स में। और दो चैम्बर्ड हार्ट कहाँ होती है, फिशेस के अंदर। देन फाइनली इट बिकम्स फोर चैम्बर्ड एम्ब्रायो के लेटर स्टेज में। एम्ब्रायो के लेटर स्टेज में क्या होती है, मतलब सबसे लास्ट वाले स्टेज में क्या होती है, ये चार चैम्बर बन जाती है। मतलब दो ओरिकल होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं, दो ओरिकल होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। ये बेसिकली किसका है, बर्ड्स और मैमल्स में क्या होती है, बर्ड्स मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, इनमें चार चैम्बर्ड हर्ट होती है। बाद में सबके पास दो या तीन होती है, सबके पास दो या तीन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हेलो, हाँ सर, आगे बात करूं क्या? हाँ हाँ, अगला लिखिए एविडेंस फ्रॉम सीक्वेंस में सात या आठ, आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? एविडेंस फ्रॉम बायो जियोग्राफिकल, इससे मालूम चल रहा होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इतना तो मालूम चले जाना चाहिए। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तेरा ग्राफ बनेगा ना, तेरे को घर से मैं बाहर से फेंक दूँ तेरे को। कौन से फ्लोर में रहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में? तो क्या पढ़ेंगे, हैं ग्राफ पढ़ेंगे इसमें, बायो जियोग्राफिकल का मतलब ग्राफ नहीं होता है, मतलब कि यूनिवर्स में किन किन जगह में ये अवेलेबल हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ये होता है, इसका मतलब ग्राफ नहीं होता है। आप जो उनसे भी फ्लोर में रहते हो, अगर नीचे है तो खैर कोई बात नहीं, तीन से ऊपर आते हैं तो वहीं से ना, उससे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा हुआ। तो मैंने क्या बोला कि इन बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म में चाहे प्लांट स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो जियोग्राफी बोलते हैं। मतलब जियोग्राफी तो ठीक है, अर्थ के रिलेटेड सारा का सारा अर्थ का पार्ट्स वगैरह जियोग्राफी में आता है, हाँ कि ना? बात बाकी इसमें अगर लिविंग को इंक्लूड कर दिया तो क्या बोलेंगे, बायो जियोग्राफी बोले। और इसी का एक डिराइव्ड वर्ड है, क्या बोलते हैं, बायो जियोग्राफिकल। तो पहले इसका आप डेफिनेशन लिखिए, द स्टडी ऑफ, जैसे कितने एविडेंसेस है, मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी,
बेहतर है आंसर ना सुनो, जितना पढ़ाता हूँ पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है। एनसेट में आपका है ना सब चीज, एनसेट में है ना? लेक्चर से एविडेंस से चल, क्या है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हारे समझ, तुम्हारे समझ की बात है नहीं कि तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे दिया हुआ है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे तभी तो अलग अलग जगह का अलग अलग स्पेसीज है, जो हमारे यहाँ काओ वगैरह गोट वगैरह तो कहीं और थोड़ा ना होती है, वहाँ कुछ और होती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ कंगारू थोड़ा ना है। जो हमारे यहाँ शेर है तो वो शेर है, या जो कहीं और शेर है या हमारे यहाँ वहाँ सवा शेर है, आगे ना। द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायो जियोग्राफी बोलते हैं। एक बार सबके सब रिपीट करो, सारे बच्चे रिपीट करो। ओके, डोंट वरी, डो नॉट रिपीट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर्स। बड़े-बड़े फूल पत्ते, प्लांट्स, प्लांट स्पीसीज या ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज। हाँ सर, ऑकरिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया का क्या हो गया? फ्लोरा हो गया। और फाउना क्या हो गया? स्पेसिफिक जो कुछ खास एरिया का, के वहां के किसी के मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया के, उसके वहां के स्पेसिफिक को वहां के लिए क्या बोलेंगे? फाउना बोलेंगे। क्लियर है क्या? सो फाउना एंड मतलब एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं, तो मैंने आगे पीछे लिख दिया। अल्फ्रेड साइंटिस्ट का नाम क्या है? अल्फ्रेड रसल। अल्फ्रेड आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में मिलेगा। और आप लोगों का टेस्ट 29 को है ना, एक को थोड़ा ना है। अल्फ्रेड वेलेस, इसने पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को 6 बायो जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर दिया। कितना? 6 बायो जियोग्राफिकल। यस और नो? रीजन, और उसको उसने क्या बोला? कॉल्ड एज रियल्स। क्या बोलते हैं उसको? उन रीजन को क्या बोलते हैं? रियल्स बोलते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ नीट में भी सेम चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए आप लोग अभी से नीट की तैयारी करो, वो सब कुछ कम्बाइनली तैयारी करो, ठीक है ना? एग्जाम में इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ और बच्चे इसमें नहीं है, ठीक है? हो जाएगा। हाँ, इससे बाहर नीट में कुछ नहीं है, यही है। एक रिसेंट में सवाल पूछा गया था कि बायोजेनेटिक लोगों को किसने डिस्प्रूव किया था, नहीं, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस को किसने डिस्प्रूव किया था? तो दैट इज वॉन बेयर। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? गदड़े बोल रहे तुम, गदड़े मैं क्या करूं यार? सर, कीमा बनाओ या कोरमा बनाओ, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या तुम टेस्ट भी तो नहीं हो गए? किधर के तुम्हारा वो
2020 में पूछा गया था नीट की 20 में। अरे हाँ, कल पिछले साल तो पूछा गया था। इसमें पूछा था उसने कि एम्बायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज दिस अप्रूव्ड बाय, बोलिए 2020 का क्वेश्चन है। अरे बोल दे गधेड़ो, सर ऑप्शंस। अच्छा ऑप्शन देना पड़ेगा। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, अल्फ्रेड वेलेस, ऑपेरिन, चार्ल्स डार्विन। सर वापस बोलोगे? कार्ल अर्नस्ट, सर क्वेश्चन, एम्बायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। डिसअप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? डिसप्रूव्ड ना। हाँ So, किसने रिजेक्ट किया था? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, अल्फ्रेड वेलेस, चार्ल्स डार्विन, ऑपेरिन। वॉन बेयर। पूरा नाम बोलो ना, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। हाँ सर। कार्ल्स के आर एल उसका नाम, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ये नीट के ऑप्शन में दिया हुआ था। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, हाँ कि ना? हेलो। हाँ सर। तो चार नंबर का क्वेश्चन था ना, क्या नाम क्वेश्चन था? चार नंबर का। और पूछो क्या? अभी नहीं। हाँ सर। नहीं पूछ रहे ना, कमा कमा दिमाग खराब हो जाएगा फिर, पढ़े हो गए नहीं तुम लोग। हाँ आगे बढ़ो क्या मैं? तो नेक्स्ट लेक्चर करें क्या? राहुल सर का क्लास है 11:15 को। सर एक मिनट, मैं नहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा था? नहीं।